वेलकम इन केमी क्लास। आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, इनके एक्सप्लेनेशन, क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में और सुटेबल एग्जांपल्स। फर्स्ट पॉइंट, क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी और क्या होता है बेसिसिटी। तो सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। ये दोनों ही बेस से डिराइव होते हैं, बट दोनों के नेम और फंक्शंस अलग अलग हैं। यानी एक ही बेस बट उनका केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट, दोनों के फंक्शंस अलग। अब ये डिफरेंस क्यों आता है हम वो देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विथ कार्बन। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि कोई बेस कितना इफेक्टिवली कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये मेनली चार्ज्ड होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है और कार्बन के साथ एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से फॉर्म हुआ है। तो जो टेंडेंसी है न्यूक्लियोफाइल की कार्बन पे अटैक करके न्यू बॉन्ड फॉर्म करने की, उसे ही कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। यानी न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। सेकंड थिंग, बेसिसिटी। क्या है बेसिसिटी? एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटॉन। यानी किसी बेस की टेंडेंसी या उसकी स्ट्रेंथ किसी प्रोटॉन को उसके पेरेंट से एब्स्ट्रैक्ट करने की, इसे ही हम कहते हैं बेसिसिटी। यहाँ पे देखिए, बेस है, इसने कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे ये एक नया स्पीशीज फॉर्म करेगा, BH+C-। यानी बेस की एबिलिटी एब्स्ट्रैक्ट करने की हाइड्रोजन या प्रोटॉन। ओके, नाउ यही था डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है, और बेसिसिटी ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। गाइस, काइनेटिक प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये क्या होता है, ये हम अनदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा अगर मैं इंक्रीज करूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसी एटम के ऊपर। एक बेस है, अगर मैं उसके ऊपर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उसके ऊपर लगातार उस बेस के ऊपर बढ़ाते जा रहा हूँ, तो वो उस बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, यानी बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर अगर इंक्रीज की जाए तो उसकी बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी अगर किसी न्यूक्लियस या न्यूक्लियोफाइल के पास चार्ज ऑन न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल देखिए, OH है और H2O है, तो OH- इट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोनियम आयन का कॉन्जुगेटेड बेस है। NH2 एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कम्पेयर टू NH3, एक कॉन्जुगेटेड बेस है इसका, कॉन्जुगेटेड एसिड NH3। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। इन पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज फ्रॉम
left to right due to increase in atomic number. Left to right न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा. एटॉमिक नंबर इंक्रीज एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज. ओके, कंफर्म इट. लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. एग्जांपल कंसीडर करेंगे, CH3 माइनस है, R2N माइनस एंड RO माइनस F माइनस. तो CH3 माइनस ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और F माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है. लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा बट न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल डिक्रीज होगा. नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी रिलेटेड होती है बेस स्ट्रेंथ के. इन केस ऑफ सेम न्यूक्लियोफाइल, अगर सेम न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक से रिलेटेड होगी. जितना ज़्यादा बेसिक उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल. सेम न्यूक्लियोफाइल की केस में जैसे RO माइनस एक अच्छा अल्कोक्सी, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल. हाइड्रोक्सिल अच्छा कम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कार्बोक्सिलिक के. कार्बोक्सिलिक इज़ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू द अल्कोहल. अल्कोहल इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू द वाटर. अल्कोहल और वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं बल्कि अल्कोक्सी हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक ये नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. नाउ अगर मैं ग्रुप की बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं ग्रुप्स के बारे में पढ़ूं तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है. ग्रुप में टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी यानी नीचे की तरफ. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी. इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है. देखिए आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू द फ्लोरीन. सल्फर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू नाइट्रोजन. अगर साइज ऑफ एटम न्यूक्लियोफिलिक एटम इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो इंक्रीज होगी यानी साइज डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू द इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी. नाउ गुड न्यूक्लियोफाइल्स के कैसे होने चाहिए, अगर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको इन पॉइंट्स को रिमेंबर करना पड़ेगा. न्यूक्लियोफाइल साइज में बड़ा होना चाहिए, वो वीकली सॉल्वेटेड होना चाहिए एंड हाई पोलराइजेशन इफेक्ट होना चाहिए उसका. लार्ज साइज वीकली सॉल्वेटेड, हाई पोलराइज हाईली पोलराइज या हाईली पोलराइजेशन इफेक्ट. नाउ एग्जांपल कंसीडर करते हैं. देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के हैं और हाउ कैन बी यूज. पहले देखेंगे क्या है रिलेटिव क्लास ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उन रिलेटिव क्लास ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स एंड एट लास्ट रिलेटिव रिएक्टिविटी. ये रिलेटिव रिएक्टिविटी अप्रॉक्स रिएक्टिविटी है, एग्जैक्ट रिएक्टिविटी नहीं है, ये अप्रॉक्स उतना रिएक्ट करते हैं. जो वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनके एग्जांपल हैं आई माइनस, एस एच एस माइनस एंड आर एस माइनस.
दे आर द वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स, ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है 10^3, रिलेटिव रिएक्टिविटी इज 10^3। जो गुड न्यूक्लियोफाइल हैं Br-, HO-, Cn-, Ns3-, ब्रोमाइड, हाइड्रोनियम, साइनाइड, अजाइड, इनकी रिएक्टिविटी है 10^4। जो ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल हैं वो हैं अमोनिया, हेलोनियम, क्लोरोनियम, फ्लोरोनियम, ईस्टर, इनकी रिएक्टिविटी है 10^10। वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर, ROH, हाँ अल्कोहल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी 1 होती है। और बहुत ही वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो RCOH2, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। स्टेरिक बल्क डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक और टॉपिक है यहाँ पे, कैसे स्टेरिक बल्क डिक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को। स्टेरिक बल्क इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एग्जांपल लीजिए, आपके पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, अगर आप उसको कंपेयर करें हाइड्रोनियम आयन से, तो OH- गुड न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू द टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हिंड्रेड है, स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन एक वीकर बेस है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड, बेसिसिटी एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, वाइल बेसिसिटी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा न्यूक्लियोफाइल पे, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज होगी। अगर किसी बेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर विल नॉट वेरी, बेस विल बिकम इन डिक्रीजेस। इन पीरियड, अगर मैं पीरियड की बात करूँ, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी इंक्रीज होती है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी इंक्रीज एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज। अगर मैं ग्रुप में बात करूँ तो जो एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेकिन बेसिसिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जो बेसिसिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज एंड बेसिसिटी विल डिक्रीज विद इन अ ग्रुप, एक ही ग्रुप में। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स हम प्रीवियसली देख चुके हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है। Cr- इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू द फ्लोरिन एंड S इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। रेफरेंस अरिहंत पब्लिकेशन केमिकल साइंस लेसन नंबर 31। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।